नमस्कार। कार्यक्रम तारे आगते में देख रहे हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे क्योंकि पूरे इंडिया से हमें बहुत सी ऐसी कॉल्स आई हैं जो लोग हिंदी में हमारे कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं। तो चलिए, जैसे हमने कुछ दिन पहले बताया कि तंत्र को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, हमें बहुत सी कॉल्स आई हैं, SMS भी पहुँचे हैं। बहुत से लोगों ने कहा है कि हम तंत्र सीखना चाहते हैं, काला जादू सीखना चाहते हैं। तो प्यारे दर्शकों, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। हम कोई तंत्र या काला जादू किसी को सिखाना नहीं चाहते, बल्कि आपको हम तंत्र के उन उपायों को करवाना चाहते हैं कि अगर आपके घर किसी ने कुछ तंत्र का क्रम कर दिया है और जिससे आपकी ज़िंदगी जो है परेशानियों से जूझ रही है, तो हम आपको निश्चित रूप में तंत्र की कुछ चीज़ें सिखाकर, बताकर या टोट के आपको ज्ञान उनका देकर आपको उस तंत्र से बचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले नोट करें अपनी कॉपी पेन लेकर तंत्र के उन उपायों को जिससे आप तंत्र को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात, घर में जब भी आप साफ सफाई करते हैं तो प्रॉपरली उसको साफ सफाई करिए, और पीपल के पत्ते जो है 7 दिन तक घर में पत्तों से आप गौमूत्र के छींटे मारें। उसके बाद शुद्ध गुग्गल की धूप जला दें, उससे आपके घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तंत्र से रहित होगा। बहुत बार हम देखते हैं कि शत्रु आपकी सफलता और आपकी तरक्की से चिढ़ जाता है, छोटे छोटे तांत्रिकों के पास जाता है और आपके खिलाफ कुछ ना कुछ जादू टोना करवाता है, जिससे आपका कारोबार बंद जाता है, आपके घर में कला कलेश होता है। जैसे ही घर में सभी लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं, एक इंसान उस कोने में बैठा, दूसरा उस कोने में, तीसरा उस कोने में और चौथा उस कोने में, और आपस में एक दूसरे को बुलाना तक छोड़ देते हैं। सो तंत्र के ऐसे दुष्प्रभाव से बचने के लिए यह हमारा टोटका आप नोट करिए कि आपने 1.25 किलो काले माल लेने हैं और साथ में 1.25 किलो कोयला लेना है, 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है। इन तीनों चीज़ों को बांधकर अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर शनिवार के दिन चलते हुए पानी में इसको विसर्जित कर देना है, और मन में आपने हनुमान जी का ध्यान करना है, प्रभु का 7 शनिवार तक आप लगातार करो। इससे आपके ऊपर तंत्र का जो प्रभाव है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मारना चाहता है, या आपको मौत का डर लग रहा है, या ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी रहेगी, बहुत जल्दी आप जाने वाले हो, ऐसा भय, ऐसा डर आपके मन में है, ऐसा संताप है, तो घबराइए मत। 21 बीज लीजिए आप पपीते के और शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर धूप बत्ती करिए और शिवलिंग के निकट बैठकर पपीते के बीज आपने सामने रखिए और अपना नाम, अपना गोत्र और अपना जन्म स्थान, अपने माता जी का नाम, पिताजी का नाम उच्चारण करिए और भगवान शिव जी से अपनी रक्षा की दुहाई दीजिए और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जाप करें और बीजों को इकट्ठा करके तांबे के एक ताबीज में भर लीजिए और गले में धारण कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि मौत का डर आपको खत्म हो गया। ऐसे ही बहुत से लोग पूछते हैं कि शत्रु हमें बिना वजह के परेशान कर रहे हैं, हम तो सादगी से जीवन जी रहे हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन लोग हमें जीने नहीं देते। घबराइए मत। एक नींबू लीजिए, उसके 4 हिस्से करिए, चौराहे पर जाकर अपने इष्ट देव, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी गुरु या भगवान मानते हो, उसका नाम लेकर चारों दिशाओं में एक एक फेंक दीजिए। घर आकर हाथ पांव धो लीजिए, तांत्रिक अभिक्रम से आपको छुटकारा मिलेगा। और इसके बाद एक और आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम के आखिर में। शुक्ल पक्ष के बुधवार को 4 गोमती चक्र लेकर अपने सिर से घुमाकर चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र का इफेक्ट है तो टोटली खत्म हो जाएगा और तंत्र से आपको राहत मिलेगी। प्रिय दर्शकों, अगर इन सभी उपायों को करने के बाद भी आपको लगता है कि फिर भी आपके ऊपर तंत्र का इफेक्ट है, तो हमारी एक सिद्ध की हुई धुनी, वो ले जाकर सुबह शाम दीजिए और मंगलवार या वीरवार या शनिवार के दिन 800 ग्राम पीली सरसों लेकर आप हमारे पास आइए, हम सिखाएंगे आपको तंत्र का काट आप कैसे करोगे, तंत्र को कैसे आप काटोगे और कितना तंत्र का प्रभाव आपके घर में है, ये आपको आपके हाथों ही दिखाएंगे।
और आपको महसूस होगा कि कैसे आप उसके बाद तरक्की के रास्ते की तरफ बढ़ोगे ही बढ़ोगे। सो प्रिय दर्शकों, बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे टीवी शो को रोज अपने व्हाट्सएप पे हासिल करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नंबर 9876202533 आप ऐड कीजिए अपने व्हाट्सएप पे, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने कंट्री का नाम हमें भेजिए। रोज आपको बेशकीमती जानकारियां हमारी तरफ से पहुंचेगी, दिन त्योहार के बारे में भी इम्पोर्टेंट नोटिसेस आपके पास पहुंचेंगे, और फिर आप महसूस करोगे कि वाकई लाइफ बहुत बढ़िया है। फेसबुक के ऊपर हमारे दोनों अकाउंट्स फुल है। जो नए हमारे दोस्त बनना चाहते हैं, हमारे अकाउंट एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया नाम से जो पेज है उसको आप लाइक कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर 870 से ज़्यादा हमारी वीडियोस आप देख सकते हो। कोई जल्दी मत कीजिए हमसे मिलने की, पहले हमारी वीडियोस देखिए, फिर आपको लगे कि हम ठीक है, जेन्युइन है, तो आप हमसे तो ही मिलिए। इसके अलावा हमारा अखबार वॉइस ऑफ एशियंस 3 साल से आपकी सेवा में आ रहा है, जिसमें हमारे टीवी शो के एक सप्ताह के सारे विवरण को दिया जाता है, जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और अपने ऊपर आजमा सकते हो, जिसमें बहुत से ऐसे टोटके भी हम देते हैं, नुक्ते भी देते हैं कि कैंसर HIV तक से लड़ने की आपको ये ताकत देते हैं और आपको चेताते हैं। आइए जी, आपको अब बताते हैं आज का राशिफल, जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। मेष राशि के लोग जो हैं, आज उनको अचानक प्रेम होगा और फिर शादी तक का सफर तय कर सकते हैं। वृष राशि वाले, आज कोई मित्र आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, आप थोड़ा सावधान रहिए। मिथुन राशि के लोग जो है, आज विदेश के द्वारा उनको कोई ना कोई तरीके से धन आने की संभावना है। कर्क राशि के लोग, जमीन जायदाद और वाहन से संबंधित आज प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। सिंह राशि के लोगों को आज पुलिस अधिकारियों के साथ अच्छी दोस्ती बनाने का मौका मिल सकता है। कन्या राशि के लोग, आज दूर दराज की लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत हर्ष उल्लास के साथ निकलने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि, आज का दिन जो है आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, उस पर काबू रखने के लिए लाल चीजों का दान जरूर करते रहिए। धनु राशि के लोग, आज मान सम्मान आपका बढ़ेगा और किसी सामाजिक संस्था के साथ आप जुड़ सकते हो। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन जो है थोड़ा सा संताप, थोड़ा सा तनाव देने वाला है, योग और ध्यान का सहारा जरूर लीजिए। और आखिर में हम बात करते हैं मीन राशि के लोगों के लिए, शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय रहेगी, कोर्ट कचहरी में आपके झंडे बुलंद रहेंगे। सो बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो हमसे आकर मिलना चाहते हैं, अपनी तकदीर के बारे जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनका ये भी प्रश्न है कि वो हमसे अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं या नक्शा लाकर हमें चेक करवाना चाहते हैं। तो प्यारे दर्शकों, इन सभी के लिए सबसे पहले हमारे पास समय लेना अनिवार्य है। हमारा फोन नंबर नोट कीजिए और हमें फोन करके आप आ जाइए। सबसे पहले पता, हमारा पता है 30G सराबा नगर लुधियाना, पंजाब, इंडिया, और फोन नंबर है 9417020533, और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9872620533। जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे ऊंचा दर्जा है माँ का। जब भी घर से जाते हो, माँ के चरण छू के आशीर्वाद लेके जाओ, पिताजी का आशीर्वाद लो, गुरुजना के बताए हुए रास्ते पर चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियां मत निकालिए, किसी का बुरा मत कीजिए, और कन्याओं को गर्भ में मत मारिए, नशों से परहेज कीजिए। एक पेड़ अपने घर के आगे जरूर लगाइए और अपने जन्मदिन पर कम से कम 4 फलदार पेड़ जरूर लगाइए, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी बढ़िया है। कल फिर मिलेंगे, कल तक के लिए नमस्कार।